नमस्कार दोस्तों, नगीना शर्मा वेलकम यू इन बोकारो गार्डन। दोस्तों, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने कुछ इंग्लिश में भी वीडियो डाली है, वो डिमांड पर है। अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं ज़रूर डालूँगी। इसलिए मैंने दो प्लांट ला के रखे हैं, क्योंकि अक्सर देख रही हूँ कि जो भी डालती हूँ वीडियो उसकी एक दो फरमाइश आ ही जाती है, तो इसमें से मैं एक आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये पीस लिली है जिसका वैज्ञानिक नाम एस्पैथीफाइलम है। दोस्तों, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट लो लाइट प्लांट है ये। नासा ने इसको एयर प्यूरिफायर बताया है, और इसलिए इसको आप घर के अंदर रख सकते हो, बहुत ही आसानी से रख सकते हो। आप यहाँ दो प्लांट देख रहे होंगे, एक ये ग्रीन पत्ते वाली है और एक आपको यहाँ वेरीगेटेड दिखाई दे रही होगी। तो दोनों में अंतर यही है कि ये थोड़ा वेरीगेटेड होने के कारण खूबसूरत दिखता है, और साथ ही इसके पैसे भी आपसे ज़्यादा लिए जाते हैं। इसके पैसे थोड़े कम लगे हैं और इसके ज़्यादा लगे हैं। तो खैर, आगे इसकी बातें करते हैं। दोस्तों, इसको आपको रूम के अंदर रखने हैं या जहाँ पर हल्की सी रोशनी आती हो, कम लाइट आती हो, ऐसे जगह में आपको रखना है। दूसरी चीज़ इसकी बात करें तो इसके सॉइल को आपको काफ़ी ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। आप इसमें तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें आप देखोगे इन्होंने कोकोपीट वगैरह में इसको लगाई हुई है। तो आप भी इसकी ड्रेनेज सॉइल बनाएं, जो सॉइल जल्दी से जल्दी पानी बाहर निकाल दे, क्योंकि पानी रुकनी नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं इसे एक अभी बड़े पॉट में नहीं लगाने वाली हूँ, मैं अभी थोड़ी सी छोटे पॉट में ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसे घर के अंदर रखने हैं। जब ये पूरा भर जाए तो आप देख रहे होंगे इसको प्रोपगेट करने का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से प्लांट ये निकल रहा है, एक प्लांट ये है, एक ये है, और इधर भी आपको नन्हे से प्लांट दिखाई दे रहे होंगे। तो आप इसको रिपोर्ट करने के समय बाहर जब करते हो तो इसको आपको डिवाइड करके एक से अनेक प्लांट आप बना ले सकते हो। दोस्तों, इसमें पानी की बात कर लेते हैं, धूप की बात हो गई, लाइट की बात हो गई, अब पानी की बात कर लेते हैं। अगर इसमें आपने पानी कम डाला तो ये पत्ते इसके मुरझाना शुरू हो जाएंगे और पीले पड़ने लगेंगे। अब अगर पानी अधिक पड़ गई तो इसके टिप्स जो होते हैं, ये तो नहीं है इसमें जले हुए, लेकिन टिप्स इसके जलने के जैसे आपके दिखाई देंगे। दोस्तों, इसमें फ्लावर्स भी आती है, हालांकि इसमें फ्लावर्स है नहीं, मैं अभी फ्लावर्स आपको नहीं दिखा सकती, बाद में मैं शेयर करूंगी। लेकिन आप जिसको फ्लावर्स हम कहते हैं, समझते हैं, वो एक्चुअली फ्लावर्स नहीं है, वो स्पैथ है। उसके नीचे एक स्टेम के जैसा होता है, उसमें नन्हे नन्हे से लगे होते हैं जो इसके फ्लावर होते हैं। दोस्तों, इसमें आप ओवर फर्टिलाइज़र भी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे तो इसको फर्टिलाइज़र ना भी दोगे तो चलेगा, बहुत कम फर्टिलाइज़र देने से भी ये चलता है। लेकिन अगर दें तो इस बात का ख्याल रखें कि फर्टिलाइज़र इसमें बहुत ही कम पड़े, ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना पड़े। जैसे साल में आप दो बार दे सकते हो फर्टिलाइज़र, 20-20-20 आप नन्हे से पॉट में रखे हो, 10 इंच के पॉट अगर हैं तो आप 1 लीटर में आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो साल में 2 बार। अगर आपकी दाने वाली है तो 5-6 दाने आप डाल सकते हो। दोस्तों, इसमें फूल आने में हर एक, अभी मैं जब शेयर कर रही हूँ तो आपके प्रश्न आने वाले हैं, मैं जान रही हूँ कि फ्लावर मेरे में नहीं आते। तो फ्लावर आने के लिए मार्केट में आपको जिबरेलिन नामक हार्मोन्स मिलते हैं, उसको डालने से इसमें फ्लावर्स आते हैं।
दूसरी चीज़ है, मैंने इसको इंडोर रखने की बात की है, सन से बचाने की बात की है, लेकिन हल्की सी धूप, जहाँ छाए वाली धूप आती हो, छन छन कर धूप आती हो किसी पौधे से, वहाँ अगर आप इसको रखते हो तो इसमें पौधे में खुद ब खुद जिबरेलिन नामक हार्मोन्स बन जाता है और फ्लावर्स आते हैं। तो आप इसको धीरे धीरे करके अगर रूम से निकालते हो तो इसके लाइट को आपको बढ़ानी है। तो दोस्तों ये मैंने पॉट इसकी रखी है, इसी में मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे इनसाइड रखने हैं। इसमें आप ड्रेनेज होल मैंने 3 खोल के रखे हैं, इस पर पहले ये डाल देते हैं ड्रेनेज होल पर। और इसके बाद इसमें इसको मैं हटा देती हूँ, इसे मैं आज ऐसे ही रहने देती हूँ। दोस्तों मैंने इसे निकाल लिया है, अब इसको मैं लगा इसमें माटी सॉइल भरती हूँ। इसके रूट्स इस तरह से निकले हुए हैं, हल्की सी मैं इसमें से सॉइल हटा दे रही हूँ ताकि ये जो नई सॉइल इसको मिले उसे जल्दी से जल्दी ये अपने को एडजस्ट कर ले। हल्की सी ऊपर से भी मैं रिमूव कर देती हूँ, ऐसे रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। दोस्तों मैंने जो सॉइल रखी है इसकी बात कर लेती हूँ, इसमें मैंने कोकोपीट डाले हैं, सैंड डाले हैं और थोड़ी सी खेत की सॉइल भी डाली है। कोकोपीट और सैंड जो है वो 30% है और करीब सॉइल मेरी मात्र 20% मैं इसमें डाली हूँ और बाकी मैंने इसमें जो फर्टिलाइज़र डाले हैं, थोड़ी सी काऊ डंग है, हल्की सी इसमें बोन मिल भी है और बर्मी कंपोस्ट है। तो इस तरह से मैंने इसकी सॉइल मिक्स तैयार की है। हल्की रहने से नए पौधे नीचे से जो निकलते हैं वो भी आसानी से निकलते हैं। दोस्तों इसको सीड जब निकलता है सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो, डिवाइड करके तो ग्रो किया ही जाता है, सीड से भी ग्रो किया जाता है। तो इसके बारे में जब इसमें फ्लावर आएंगे मैं फिर आपसे चर्चा करूंगी, तब तक मैं इसको लगाकर आपसे शेयर की हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करना, साथ ही अगर आपको कुछ जानकारी लेनी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर मैं अक्सर ब्लॉग पर लिख देती हूँ, वहाँ भी जाकर अधिक जानकारी आप ले सकते हो। इसी के साथ मैं चलूँगी, देखो पानी किस तरह से निकल रहे हैं, क्योंकि सॉइल काफ़ी अच्छी ड्रेनेज वाली है तो सारे के सारे वाटर इससे निकल रहे हैं। अब दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।